नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके शरीर में काफ़ी सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण महिला के स्वाद में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे में कुछ महिलाओं को कभी कभी मिट्टी खाने की इच्छा होने लगती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे पिका सिंड्रोम कहते हैं। इसी टॉपिक पर आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मिट्टी खाने की इच्छा क्यों होती है, ये पिका सिंड्रोम क्या होता है, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर मिट्टी खाती हैं, तो मिट्टी खाने की इच्छा से छुटकारा कैसे पाएं, गर्भावस्था के दौरान दूसरे प्रकार के पिका सिंड्रोम कौन कौन से हो सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं पिका सिंड्रोम को लेकर। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती स्त्री को किसी भी चीज को खाने की जब प्रबल इच्छा होती है, चाहे वह वस्तु खाने योग्य हो चाहे वस्तु खाने योग्य ना हो, तो उसे पिका सिंड्रोम कहा जाता है। इसके अंदर महिलाओं को कभी कभार अचार खाने की इच्छा हो सकती है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो सकती है, बर्फ खाने की इच्छा हो सकती है, और कभी कभी ऐसी वस्तुएं खाने की भी इच्छा होती है जिसके दुष्परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि चाक, खड़िया, मिट्टी, राख इत्यादि। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में काफ़ी ज़्यादा हार्मोन उथल-पुथल होती है और बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता भी महिलाओं के शरीर में होती है। वैसे पिका सिंड्रोम के अंदर मिट्टी खाने की इच्छा क्यों होती है, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्रेविंग होने की मुख्य वजह शरीर में किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अब यह महिला के भोजन और लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है कि उसके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खाने की इच्छा महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान होती है, और उनमें से एक मिट्टी भी है। कभी कभी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उस अवस्था में भी महिलाओं को मिट्टी खाना पसंद आ जाता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण महिलाओं के स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी मिट्टी का स्वाद महिलाओं को काफ़ी पसंद आने लगता है, इस वजह से भी वह मिट्टी खाना पसंद करती हैं। कई लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान मिट्टी की गंध बड़ी लुभावनी लगती है और वह अपने आप को मिट्टी खाने से नहीं रोक पाते हैं। अब कोई गर्भवती स्त्री मिट्टी खाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। मिट्टी के कुछ कण बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, उसमें पत्थर वगैरह हो सकते हैं, जिसके कारण कभी कभी गर्भवती स्त्री के दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है, दांत टूट सकते हैं। मिट्टी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं। निरंतर मिट्टी का सेवन करते रहने से कब्ज की समस्या की शिकायत नजर आने लगती है। मनुष्य का पाचन तंत्र मिट्टी को पचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है, इससे आंतों में उसके कार्य में रुकावट आ जाती है, जो भविष्य में बड़ी समस्या का कारण बन सकती है, खासकर प्रेगनेंसी में। मिट्टी में किसी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। अगर गर्भवती स्त्री मिट्टी खाती है तो वह कुपोषण का शिकार हो सकती है, क्योंकि मिट्टी खाने से भूख का एहसास नहीं होगा और वह सही तरीके से भोजन भी नहीं खाएगी, तो कुपोषण होना ही है। मिट्टी के अंदर तरह तरह के परजीवी पाए जाते हैं। अगर महिला मिट्टी का सेवन करती है तो परजीवी द्वारा किसी भी प्रकार का संक्रमण महिला के शरीर में पहुंच सकता है और उसे बीमार बना सकता है। मिट्टी के अंदर कुछ कीटनाशक और विषैले तत्व भी पाए जाते हैं। अगर महिला उस प्रकार की मिट्टी का सेवन कर ले तो पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, बड़ी समस्या बन सकती है। और दूसरे प्रकार की कई बीमारियां मिट्टी खाने से महिला को हो सकती हैं, खासकर गर्भवती स्त्री का इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है तो उसे रोग जल्दी पकड़ लेते हैं। अब बात करते हैं कि मिट्टी खाने से गर्भ शिशु को किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। मिट्टी के अंदर विषैले तत्व के कारण कभी कभी समय से पूर्व प्रसव की समस्या नजर आ सकती है, जो कि शिशु के लिए काफ़ी घातक है। गर्भावस्था के दौरान उचित पोषक तत्व न मिल पाने के कारण बच्चे में चिड़चिड़ेपन जैसी समस्याएं विकार देखने में इन फ्यूचर में आ सकते हैं। अगर महिला लगातार मिट्टी का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान करती है तो गर्भस्थ बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु तक होने की संभावना होती है, और प्रसव के समय मृत्यु हो सकती है।
लगातार मिट्टी का सेवन करते रहने से गर्भस्थ शिशु अविकसित रह जाता है, उसके कुछ अंगों का विकास प्रॉपर तरीके से ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो यह सब नुकसान एक गर्भस्थ शिशु को मिट्टी खाने से होते हैं अगर महिला मिट्टी खाती है। इस संबंध में गर्भवती स्त्री चिकित्सक से परामर्श ले सकती है। वह इस बात का पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि यह मिट्टी खाने की इच्छा किस वजह से हो रही है, शरीर में क्या कमी है, उसका ट्रीटमेंट देंगे, आपकी समस्या ठीक हो सकती है। यह समस्या काफ़ी हद तक महिलाओं की अपनी विल पावर पर भी निर्भर करती है। अगर किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास महिला काउंसलिंग कराए तो वह इस समस्या को ठीक कर सकता है। महिला अपने विल पावर को मजबूत करके इस समस्या से अपने आप मुक्ति पा सकती है। इसके लिए महिलाओं के घर वाले उसकी मदद कर सकते हैं। वह यह जानने की कोशिश करें कि महिला की मिट्टी खाने की इच्छा सबसे ज़्यादा कब होती है, उस वक्त उस पर नज़र रखकर मिट्टी ना खाने दें। गर्भावस्था के दौरान स्त्री को जब भी मिट्टी खाने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है तो उस वक्त महिला को उसकी मनपसंद भोजन दिया जाए जो कि गर्भावस्था के अनुसार भी पौष्टिक हो और उसे वह खाने के लिए प्रेरित करें तो वह मिट्टी खाने की इच्छा दब जाएगी। गर्भावस्था के दौरान अन्य पिका क्रेविंग्स का अर्थ है मिट्टी के अलावा अन्य गैर खाद्य पदार्थों को खाने की तीव्र इच्छा का उभरना। आइए कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिन्हें खाने की इच्छा हो सकती है। उसके अंदर है चाक, बेबी पाउडर, राख, कागज़, रंग, पशु का मल, चिकनी मिट्टी, गंदगी, काफ़ी ग्राउंड्स, रेत, कच्चे स्टार्स, चारकोल, एयर बॉल्स मतलब बालों का गुच्छा, बर्फ, अंडे के छिलके और कपड़ा, यह भी खाने की इच्छा कभी कभी होने लगती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।